लाइफस्टाइल हॉलैंड फैशन। सो हैप्पी न्यू ईयर गाइज, एंड आई होप आपका ये साल बहुत अच्छा जाए एंड मेरा भी साथ में। सो आज मैं आई हूँ सरोजनी नगर मार्केट एंड देखते हैं यहाँ का जनवरी का कलेक्शन कैसा है। तो चलो मेरे साथ मार्केट में। वेरी यार मैं सही जा रहा सही लग रहा है। कितना है? 100। अच्छा ये भी। और ये वाली वॉच कितने की है? ये 250 की है। अच्छी लग रही है। और इसका क्या है प्राइस? ये भी सेम प्राइस है। तो गाइज़ जैसे ही आप इंसेंस लेन में घुसेंगे तब आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे जो कि सिर्फ 300 और 200 में स्वेटर्स सेल कर रहे थे। एंड इस वाले स्टॉल पे मेरे को बहुत अच्छे लगे ये वाले स्वेटर्स। काश ये मैं क्रिसमस के टाइम पे आती तब मैं इसको ले पाती। एंड ये वाला जो था इस पर सिर्फ 150 में स्वेटर मिल रहे थे एंड काफ़ी अच्छे यूनिक पीसेस मिल रहे थे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि थ्रिफ्टेड हो या फिर कुछ भी, ऐसा होल वगैरह भी नहीं था। सो इस वाले स्टॉल पे मुझे बहुत अच्छे स्वेटर्स मिले। एंड यहाँ पे ना आपको ट्रेंच कोट वगैरह भी मिल जाएंगे जस्ट इन 200। एंड इनकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी सो मैंने भी यहाँ से एक लिया है। एंड ये वाला जो स्टॉल है आपको ये मिलेगा 193 शॉप नंबर के जस्ट सामने। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग ट्रेंच कोट मिल जाएंगे, लॉन्ग कोट मिल जाएंगे बहुत सारे कलर्स में। तो मुझे पर्सनली ब्लैक में चाहिए था और एक बेज कलर का मैं देख रही थी बट यहाँ पे मुझे बेज कलर इतना पसंद नहीं आया। सो ये था नेक्स्ट स्टॉल, उस पर भी सिर्फ 200 में आपको विंटर वाले ट्रेंच कोट मिल जाएंगे। एंड मैं ना एक मफलर भी ढूंढ रही थी बट इस वाले स्टॉल पे सारे वो वाले मफलर थे जो ऐसे विंटर्स में पहनते हैं। सो ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे एंड इसमें भी आपको बहुत सारे वैरायटी एंड डिज़ाइंस मिल जाएंगे, बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। सिर्फ 150 में एक दे रहे थे। एंड आपको जो नेक्स्ट स्टॉल मिलने वाला है ये है आपको 150 में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कलरफुल टॉप्स लग रहे थे। ये वाला तो मेरे को बिल्कुल एक पिंटरेस्ट वाइब दे रहा था। इसको आप किसी ब्लैक जीन्स के साथ स्टाइल करो इतना ज़्यादा सुंदर लगेगा ये। एंड ये वाला जो इयररिंग्स का था ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा बिकॉज़ यहाँ पे ना सारे यूनिक पीसेस थे, कुछ भी मैंने ऐसा नहीं देखा हुआ था कि जो रिपीट हुआ हो। एंड मैं इस पर इस शॉप पर पहले भी आई हुई हूँ। सो ना आपको यहाँ पर जो इयररिंग्स मिलेंगे वो 250 से स्टार्ट हो जाएंगे एंड उनकी रेंज जाएगी 300 तक। जो चोकर्स थे वो भी आपको 250 से मिल जाएंगे। एंड उसी लेन में थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो आपको यहाँ पे ड्रेसेस की शॉप मिल जाएगी। यहाँ पे ना आपको विंटर की ड्रेसेस मिल जाएगी बहुत सारी जिसको आप अच्छे से स्टाइल कर सकते हो लॉन्ग बूट्स के साथ। एंड उसी के जस्ट सामने मैंने यहाँ पे ये देखा, यहाँ पे ट्रेंच कोट मिल रहे थे बट जब मैंने इनका प्राइस पूछा तो वो बोने लग गए 650। सो मैंने सोचा यार सरोजनी नगर में मैं इतना महंगा तो बिल्कुल नहीं लूँगी तो मैंने वो शॉप स्किप की। देन मैं थोड़ी आगे बढ़ी, जस्ट इंसेन के जस्ट सामने ये वाला लगा हुआ था एंड ये ग्रेफिटी लेन के जस्ट बगल में है ये स्टॉल। आपको यहाँ पे वुलन वेस्ट वगैरह मिल जाएंगे एंड बहुत सारे कार्डिगन्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड मैं गई शॉप नंबर 198 पे। सो आपको ना यहाँ पे बहुत सारा मिक्स्ड कलेक्शन मिल जाएगा जिसमें आपको कोट्स मिल जाएंगे, स्वेटर वेस्ट मिल जाएंगे, शर्ट मिल जाएंगे एंड आपको यहाँ पे समर्स की भी कुछ कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे ये शर्ट मैं देख रही थी, ऑफिस गोइंग हो तो आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो शर्ट। एंड यहाँ पे आपको लेदर स्कर्ट मिल जाएगी, मैंने भी यहाँ से लेदर स्कर्ट ली है एंड यहाँ का कलेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। बट ये थोड़ा सा ना शुरू में एक्सपेंसिव बताते हैं जैसे 600 500। सो बट आप उनसे बार्गेनिंग करोगे तो आपको वो 150 और 200 में भी दे देंगे। एंड ये मैंने यहाँ पे पफर जैकेट भी देखी, ये इतनी एक्सपेंसिव मिलती है एंड यहाँ पे बहुत आपको अच्छे अफोर्डेबल रेट्स पे मिल जाएगी। एंड आपको यहाँ पे जीन्स का भी कलेक्शन मिल जाएगा बट इन वाले जीन्स के जो भैया बैठते हैं वो वहाँ पर थे ही नहीं। सो उसके जस्ट बाहर आपको ये स्टॉल मिल जाएगा, यहाँ पे पवर जैकेट मिल रही थी बट उनकी क्वालिटी मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। एंड ये है शॉप नंबर 148, आपको यहाँ पे बहुत बेल्ट का कलेक्शन मिल जाएगा। सो मैंने भी यहाँ से एक बेल्ट ली है बिकॉज ड्रेसेस के ऊपर स्टाइल करनी थी तो मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ।
एंड ये वाला तो आप जानते ही हो, ये बिक्सी के जस्ट बगल वाली शॉप है। यहाँ पे आपको बहुत सारे बैग्स की कलेक्शन मिल जाएगी। सो इस बार का कलेक्शन ना बहुत ज़्यादा यूनिक था। यहाँ पे बोहो काइंड ऑफ बैग्स भी थे एंड बहुत सारे यूनिक बैग्स भी थे। ये मिकी माउस वाला बैग, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। एंड वार्सिटी जैकेट्स का तो आपको कलेक्शन हर दूसरी तीसरी शॉप से मिल जाएगा। सो अब तो मैं बोर हो गई हूँ इस वाली जैकेट से। एंड ये है शॉप नंबर 158। एंड इस बार का स्लीपर्स का कलेक्शन ऐसा चेंज हुआ है कि आप बस देख ही लो। एंड इतना यूनिक लग रहा था ये वाला डिज़ाइन मुझे। इसके ऊपर सिल्वर ज्वेलरी लगी हुई थी। एंड ये वाली जो शॉप है ये है 161 शॉप नंबर। आपको यहाँ पे ट्रेंच कोट वगैरह मिल जाएंगे जस्ट इन 200। एंड 200 में यार कुछ भी नहीं आता है एंड इतना बड़ा सा आपको कोट मिल जाएगा। सो अगर आप किसी वेकेशन वगैरह प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। एंड ये है शॉप नंबर 63। आपको यहाँ पे ना बहुत सारे अलग अलग चीज़ें मिल जाएगी। एंड यहाँ पे मैं शर्ट देख रही थी एंड ये वाली शर्ट मुझे पसंद भी आई थी बट ये मैंने रख दी बिकॉज इस पर कुछ गंदी हो रखी थी। एंड 100 रुपीज़ की ये सारी शर्ट थी। यहाँ पे बहुत यूनिक कलेक्शन था तो मेरा बहुत ज़ोर की मन कर रहा था कि मैं ले लूँ बट मैंने नहीं ली। एंड आपको यहाँ पे इयररिंग्स का तो भंडार मिल जाएगा बट मेरे घर में कोई अभी शादी नहीं है तो मैंने इसको अवॉइड ही किया। एंड जॉगर्स वगैरह भी आपको 200-150 की सेल में मिल जाएंगे एंड इनकी क्वालिटी भी काफ़ी डिसेंट है। आप पूरे सीज़न इसको चला सकते हैं। एंड जैसे कि आप देख सकते हो लॉन्ग ड्रेसेस या फिर ये जो होते हैं बाथरोब्स भी मिल जाएंगे आपको। एंड ये क्लचेस का कलेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। सो ये वाला जो शॉप नंबर है ये है 25। सो आपको ना यहाँ पे टोट बैग्स वगैरह भी मिल जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहते हैं। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड बाय।